कौशाम्बी जिले के मजनपुर सदर ब्लॉक प्रमुख सहित तीन लोगों पर एक किशोरी ने गैंग रेप का गंभीर आरोप लगाया है। ब्लॉक प्रमुख और उनके गुर्गों ने शिक्षा के मंदिर में ही किशोरी की इज्जत को तार तार किया था। डरी सहमी किशोरी रात भर स्कूल में रही। सुबह जब किशोरी परिजनों से मिली तो उसने अपनी आपबीती बताई। गैंग रेप की घटना से नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है, लेकिन करारी पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर ब्लॉक प्रमुख सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी की मेडिकल जांच की जा रही है और करारी थाना इलाके के एक गांव में किशोरी अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गई थी। किसी बात से नाराज होकर किशोरी वापस अपने गाँव जा रही थी। आरोप है कि रस्ते में कजन प्रधान बुलेट गाड़ी से मिले और घर छोड़ने की बात कही। किशोरी को गाड़ी पर बैठाकर प्रधान एक सुनसान इलाके में बने हुए स्कूल में ले गए। गलत नियत के आधार से उसे स्कूल ले जाया गया। शक होने पर किशोरी ने पूछताछ करी तो प्रधान ने कहा कि एक लोग से मिलते हुए चलते हैं। किशोरी के अनुसार थोड़ी देर में सदर ब्लॉक प्रमुख और उनके गुर्गे आए। सभी ने मिलकर किशोरी के साथ जबरदस्ती की, गैंग रेप किया। किशोरी इस दौरान चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कहीं भी किसी ने उसकी कोई भी गुजारिश नहीं सुनी। जाते समय इस बात को किसी से ना बताने की धमकी भी देते हुए गए। डरी सहमी जब ये किशोरी रात भर स्कूल में पड़ी रही, उधर परिजन किशोरी को ढूंढते रहे। रास्ते में जब किशोरी मिली, उसकी हालत देखी तो परिजनों ने इस अवस्था के बारे में उससे पूछा, तब उसने पूरी जानकारी दी। परिजनों के साथ करारी थाना पहुंची पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करा लिया है और इस मामले में पुलिस के सभी अधिकारी छानबीन पर जुट गए हैं। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है, पर देखना ये होगा कि इस किशोरी को इंसाफ दिला पाने में अधिकारी कितने सक्षम, कितने सही और कितने सटीक साबित होते हैं। क्या करने गई थी और क्या हुआ आपके साथ? मैं कामपुर गई थी, मेरे खाला की शादी थी, तो मेरे नानी ने गुस्सा मुझे डांटा, तो मैं गुस्सा होके आ रही थी, तो रास्ते में कज्जन प्रधान मिला कि इतनी शाम 6 बजे कहाँ जा रही। मैं बोली अपने घर जा रही हूँ, के बैठो गाड़ी में, तुम्हारे मैं घर छोड़ देता हूँ। तो फिर मुझे स्कूल ले गया, स्कूल तियारा स्कूल ले गया, फिर उसके अंदर मुझे ले गया। फिर मैं बोली मुझे कहाँ लिया है, मुझे घर जाना है, के किसी से मिल के चल रहे हैं, मैं घर छोड़ देते हैं। तो फिर उधर से हरिमोहन आया, उसका एक साथी आया, तीनों मुझे एक कमरे में ले गए। अब बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद मुझे धमकी भी दी, अगर तूने अपने घर वालों से बताई तुझे जान से मार डालेंगे, तेरे घर वालों को भी जान से मार डाल। फिर मैं अपनी रात भर मैं वहीं थी, मेरे घर वाले रात भर मुझे सुबह तक ढूंढने लगे। तो मैं यहाँ से एकदम सुबह आई थक पैदल भागते हुए, तो रास्ते मुझे मेरे घर वाले मिल गए, तो कहाँ थी तू, तूने क्या किया? तो मैंने बताया अपनी बीती पूरी बात है, तो मेरे घर वाले लेके आए मुझे थाने पे, मेरा मुकदमा लिखा। ठीक, थाना करारी में एक किशोरी ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसमें स्थानीय नेताओं के विरुद्ध भी उन्होंने आरोप लगाया है। इस प्रकरण में FIR पंजीकृत कर ली गई है और किशोरी का मेडिकल करा लिया गया है। अगली विधिक कार्रवाई जांच के पश्चात की जाएगी। क्या ब्लॉक प्रमुख हरिमोहन यादव के खिलाफ सर मुकदमा लिखा गया? हाँ, उसमें दो व्यक्ति हैं, जिसमें हरिमोहन यादव और दो अन्य व्यक्ति। कौशाम्बी से ये थी करण सिंह की रिपोर्ट।